हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं आकाश, संडे तारका में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज एक पुलाव का डिश बनाएंगे, वो भी ग्रीन, एकदम बिल्कुल ग्रीन। तो इसका नाम है ग्रीन पुलाव, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम खाए थे एक बार शिलोंग में जाके, मेघालय शिलोंग जो है वहां पे जाके खाए थे। ट्राइबल फूड ऑब्वियसली, तो एकदम ग्रीन, एकदम पूरा नाइस टेक्सचर, नाइस मतलब बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब खाने में उतना ही टेस्ट, बहुत ही उम्दा, बहुत ही। चलिए कैसे कैसे वो पुलाव बनाता है, ग्रीन पुलाव, एक बार देख लेते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। चलिए अभी मैं गैस को कर देता हूँ ऑन। इसके बाद एक कटोरी में पानी ले लिए थोड़ा सा। ये बेबी कॉर्न जो देख रहे हैं, इसको हम ऐसे करके दो टुकड़ा में काट लिए, एक एक बेबी कॉर्न को ठीक इस तरह से। और इसको हम पानी में अभी बॉयल करेंगे। अभी थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, हाफ टी स्पून करीब। इसके बाद थोड़ा सा स्टेयर करके छोड़ देंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला देंगे। करीब 400 ग्राम गोविंदभोग राइस पानी में सोक्ड करके रखे थे एक घंटा करीब। इसको हम कढ़ाई में थोड़ा सा भून लेंगे, एकदम ड्राई कर लेंगे। थोड़ा सा भी पानी नहीं बचना चाहिए। ये पुलाव को ग्रीन बनाने के लिए हम ले लिए हैं करीब एक बॉल हरा धनिया पत्ता। इसके साथ लिए हैं हरा पुदीना पत्ता, खाली पत्ता ही लिए हैं, हाफ बॉल करीब। इसके साथ और ले लिए हैं एक बॉल स्प्रिंग अनियन। अभी ये तीनों चीज़ एक साथ मिक्स्ड करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। अभी इसको ओपन करके देखते हैं कैसा पेस्ट हुआ। बढ़िया से पेस्ट हो गया, देखिए बिल्कुल अच्छा से पेस्ट हो गया एकदम। देखिए अभी चावल पूरा ड्राई हो गया, थोड़ा सा भी पानी इसमें नहीं है। अभी इसको एक बाउल में रख देता हूँ। अभी मैं फिर से गैस को कर देता हूँ ऑन और एक उसी कढ़ाई में फिर करीब 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिए। इसके बाद 1 टेबलस्पून बटर ले लिए। अभी ये दोनों चीज़, बटर और रिफाइंड ऑयल, दोनों को एक साथ बढ़िया से स्टेयर कर लेंगे। इसके बाद करीब 7-8 पीस काजू नट को फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन करके नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा गरम करके फिर इसको उठा देंगे। अभी उसी तेल में 4 छोटा इलायची, 1 चक्रफूल जिसको स्टार अनिस बोलते हैं, और 4 लौंग इसमें डाल देंगे। इसके बाद अभी एक बड़ा साइज प्याज को स्लाइस करके रखे थे वो इसके ऊपर डाल देंगे और बढ़िया से भूनेंगे इसको। इसके साथ जाएगा मेरा ग्रीन चिली पेस्ट करीब 1 टेबलस्पून। पुलाव बन रहा है और वो भी बिना अदरक का, कभी सुने हैं? नहीं ना,
इसीलिए हम करीब एक टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको बढ़िया से एक बार भून लेंगे। इसमें क्या हल्दी पाउडर डालेंगे? नहीं, इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून येलो चिल्ली पाउडर। इसके बाद डालेंगे जीरा पाउडर करीब एक टीस्पून। तीनों मसाला मिला के एकदम एक बढ़िया से मसाला बना के रेडी कर लेता हूँ। इसके बाद हम दे देंगे वो जो ग्रीन पेस्ट था मेरा, एक बाउल पूरा ही डाल देंगे। अब ये ग्रीन पेस्ट डालने के बाद ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, इसको हल्के हाथों से जस्ट मिला देना है। इसके बाद वो भुना हुआ राइस को डाल देंगे। इसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं क्या करना है। वो जो ग्रीन पेस्ट, मसालेदार ग्रीन पेस्ट जो था, उसको चावल के साथ बढ़िया से मिलाना है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगा करीब एक कप हरा मटर और एक मुट्ठी स्प्रिंग अनियन। बिना दूध का पुलाव कैसे बनेगा, इसीलिए मैं एक कप गरम दूध भी इसमें डाल देंगे। और भाई साहब, पानी भी तो जरूरी है इसमें चावल फूलने के लिए, इसीलिए करीब दो ग्लास पानी भी डाल देंगे इसमें। अभी इसी के साथ स्वाद अनुसार चीनी और नमक मिला के हम इसको एक बार अच्छे से स्टेयर कर लेंगे। उसके बाद ढक के रख देंगे करीब 15 मिनट तक। पंद्रह मिनट हो गया, अभी हम ढक्कन खोल के देखेंगे। इसके बाद हम वो जो फ्राई करके काजू नट को रखे थे वो डाल देंगे इसके ऊपर और एक बार इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद अभी इसको ढक के रख देंगे करीब 25 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में। पहले से बॉयल करके रखा था जो बेबी कॉर्न, उसको हम ये अमूल जो फ्रेश क्रीम है एक टेबलस्पून ले लेंगे और उसके साथ मिला के हम ये गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। गैस को मैं बंद कर देता हूँ और एक बार लीड खोल कर देखता हूँ चावल कैसे बना है। ये देखिए, चावल कुछ इस तरह से बना है, एकदम झुरझुरा। अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ले लिया हूँ ये ग्रीन पुलाव विथ सलाद। देखिए, ये सलाद मूली, गाजर, अनियन स्लाइस करके रिंग रिंग करके काट लिए। ये है बेबी कॉर्न। ये फ्रेश क्रीम के साथ बहुत ही अच्छा लगता है बेबी कॉर्न, जब हम खाएंगे आप लोगों को बताएंगे। और ये है चेरी और ये पुदीना पत्ता और यहाँ पे बिना ऑयल वाला चिकन है, खाली दही दे के बना है। दही और धनिया पत्ता, कुछ नहीं, हल्दी ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये सब तो लगेगा ही, लेकिन बिना ऑयल है। तब भी देखिए फ्रेंड्स, कितना ऑयल ऊपर में दिख रहा है, कितना ऑयल लग रहा है, लेकिन जरा सा भी ऑयल नहीं है इसमें। तो चलिए खा के आप लोगों को बताते हैं कैसे लग रहा है, इसका टेस्ट कैसा है, दोनों का ही, इसका भी बताएंगे और इसका भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को खा के बताएंगे कैसा हुआ। मेरे सामने ये रेडी है एकदम, और एक स्पून लिए हैं इसको खाने के लिए। अभी हम देखते हैं ये पुलाव लेके पहले। बिल्कुल बहुत ही अच्छा बना है ऐसे काट के।
ऐसे ऐसे साइड से खाते हैं, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। थोड़ा सा चिकन का ग्रेवी लेते हैं, बिना ऑयल वाला, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही। ये पुलाव के साथ ये दही वाला चिकन जो ऑयल लेस है, ऑयल फ्री जिसको बोलते हैं, मस्त लग रहा है भाई, मस्त, जबरदस्त। ये स्प्रिंग अनियन जो है वो भी मुंह में जब चबा रहे हैं उसको मस्त फीलिंग आ रहा है। एक तो ग्रीन पीस है वो तो अच्छा लगता ही है, थोड़ा सा मूली लेते हैं, मूली, प्याज, गाजर, जस्ट अमेजिंग, जस्ट अल्टीमेट, बहुत ही अच्छा। अभी थोड़ा ये बेबी कॉर्न जो है इसको खा एक बार देखते हैं खाके कैसा हुआ। जस्ट हेवेनली फील, ये जो खा रहे हैं हम, जस्ट हेवेनली फील हो रहा है। अभी ये जो चेरी देख रहे हैं हम लोग, इसी को क्यों छोड़े, इसको भी खा लेते हैं। एकदम मीठा, मुंह में जाते ही ब्लास्ट हो गया, मस्त। एक चिकन हम टेस्ट करते हैं। नाइसली कुक हुआ, नमक परफेक्ट, हल्का सा मीठापन है वो भी परफेक्ट, तीखा भी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है, दोनों का ही, चिकन का भी पुलाव का भी। अब लोग यकीन नहीं कीजिएगा, ये सही में बिना ऑयल वाला, लेकिन ऊपर में इतना ऑयल फ्लोट हो रहा है, आपको लगेगा ये हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको ये वाला डिश दिखाएंगे एक दिन कभी। तो हम धीरे धीरे खाते हैं, आप लोग भी बनाइए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और याद से बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब में आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।